गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज 5.3। आपके पास जो चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज हम 5.3 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए एक बार। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। स्पिनिंग ए व्हील्स, एक मेरे पास एक व्हील दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और यहाँ पे मुझे एक व्हील दिया गया है और इसमें जो इस तरह से बनाया गया है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे बनाया गया है ए बी सी डी और फिर ए। अब मुझसे पूछा गया है कि स्पिनिंग ए व्हील, और इसमें पूछा गया है कि जो इसके आउटकम्स हैं वो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितने आउटकम्स। तो इसमें देखिए ए बी सी डी और फिर ए ही है, तो इसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 4, क्योंकि 4 लेटर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस में ए जो है कितनी बार है, ठीक है, पर आउटकम्स कितने आ सकते हैं इसमें, केवल 4। सेकेंड है टॉसिंग कॉइन्स टुगेदर। हमारे पास दो सिक्के हैं, इसका जो बी सेक्शन है वो इस तरह से है कि दो सिक्के हैं हमारे पास, उनको जो है एक साथ उछाला जाता है, तो उसके क्या आउटकम्स होंगे। देखिए कैसे, किसी भी सिक्के को जब उछालते हैं तो उसमें जो है कितने आउटकम्स आ सकते हैं, उसमें केवल दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो वैसे ही सोचिए, अगर दो हमारे पास कॉइन है तो उसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 4। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि 2 की पावर n का मतलब है, 2 की पावर n का मतलब जितने सिक्के हैं या फिर जितनी बार सिक्के को उछाला जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास दो सिक्के हैं और उनको मैं उछाल रहा हूँ, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिक्का है मैं उसको दो बार उछाल रहा हूँ, तो बात एक ही है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 सिक्के हैं मैं उनको उछालता हूँ एक साथ, या मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं एक सिक्के को 3 बार उछालता हूँ, तो n जो यहाँ पे है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने सिक्के हैं, या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जितनी बार उन्हें उछाला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो सिक्के हैं तो 2 की पावर n की जगह 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बता रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए। व्हेन ए डाई इस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए प्राइम नंबर। अब देखिए, आपके पास जो आपने डाइस तो देखा होगा, उसमें जो है जब हम लूडो खेलते हैं उसमें हम जब उसको रोल करते हैं तो आपको पता है उसमें कितने होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो जो उसमें नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब मुझसे जो पूछा गया है गेटिंग ए प्राइम नंबर, अब हम सबको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो देखिए प्राइम नंबर एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं इसके, कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 3, 1, 2, 3। तो टोटल जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 3। तो इसके आउटकम्स कितने आ गए, 3 आ गए। अच्छा, सेकंड जो पूछा गया है नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब मुझे प्राइम नंबर नहीं चाहिए, प्राइम नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो सोचिए जरा इनमें कौन है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो एक 1, 1, 4, 1, 6, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 3। तो इसका मतलब उसमें भी आउटकम्स कितने आ गए हैं, 3। नेक्स्ट जो है ए नंबर ग्रेटर देन 5, सी वाला, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर ग्रेटर देन 5 जो मतलब 5 से ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा देखो ये सब छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, तो 5 से ज़्यादा केवल एक नंबर है, तो इसका मतलब आउटकम्स कितने आ गए, केवल 1, ठीक। नेक्स्ट है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब ऐसे नंबर जो कि 5 से ज़्यादा ना हो। अब 5 से ज़्यादा कौन कौन नहीं है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, तो 5। तो इसके जो आउटकम्स आ गए वो कितने आ गए, 5, 5 से ज़्यादा जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था इससे पहले जो मैंने करवाया उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से था कुछ। तो ये इस तरह से था, ए बी सी डी और फिर यहाँ पे ए। अब उन्होंने कहा कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मुझे डी मिले। डी मतलब, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बिना देखे अगर मैं यहाँ पे उंगली लगाऊँ तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि मेरे पास डी आए या फिर मेरा हाथ डी पे जाए। तो इससे पहले जो क्लासेस हैं उनमें मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स हमेशा वो होते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहूँ कि मेरा हाथ डी पे जाए, मेरा हाथ डी पे जाए, वो फेवरेबल आउटकम्स हैं। और टोटल आउटकम्स मतलब, टोटल का मतलब मेरा हाथ तो कहीं भी जा सकता है, ए बी सी डी ए, ठीक है, इन चीज़ों पे जा सकता है। पर फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि जो मैं चाहता हूँ। अगर माना मैंने एक सिक्का उछाला और मैं चाहता हूँ कि हेड आए, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने होंगे, हेड केवल एक ही है, पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, हेड और टेल दोनों। तो जो किसी भी सिक्के की हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1/2। तो उसने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मेरा डी आए, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो देखो डी कितने बार लिखा गया है, केवल 1 बार। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वैसे टोटल कौन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/5। इसका जो बी सेक्शन है, बी में मुझसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। मतलब आपने देखा होगा जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जिनको हम ताज कहते हैं, तो उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और हर जो 52 पत्ते होते हैं उनका एक 13-13 का ग्रुप बनता है, 13-13 मतलब 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक वेल सेपरेट का, मतलब होता है जैसे ऐसे 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 करते हैं ना उनको, वेल सेपरेट मतलब बिना देखे उसको रैंडमली कहीं भी रख देना किसी पत्ते को। तो उन्होंने कहा कि एक एस आने की क्या प्रॉबिलिटी है। तो हमें पता है कि हर एक ग्रुप में 13-13 का ग्रुप होता है ना, 52, 13-13-13-13, तो हर एक 13 वाले ग्रुप में एक एस होता है। तो सोचिए जरा कितने एस होंगे टोटल गड्डी में, 52 की जो वेल सपोर्ट कार्ड है उसमें टोटल कितने होंगे, 4, ठीक है। तो उसमें केवल होंगे टोटल 4 एस। अब मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउट। फेवरेबल मतलब जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि एस आए। अब एस कितने हैं मेरे पास, वह है 4, और टोटल वैसे हैं कितने पत्ते, 52। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी उसकी, वो होगी कितनी, 4/52। तो इसको चाहूं तो रिड्यूस भी कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 13 4 जा 52। क्लियर। अच्छा इसका नेक्स्ट सी वाला सेक्शन देखते हैं, एक मिनट, इसमें सी वाला देखते हैं। सी वाला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब देखो इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो इसने कहा है सी वाले में कि एक फिगर मुझे यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, ऐसे, और यहाँ पे कुछ एप्पल बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा ये कुछ एप्पल्स बनाए गए हैं, आप मेरी ड्राइंग पे न जाएं, तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो ग्रीन, रेड, फिर रेड, फिर रेड, फिर ग्रीन, और फिर रेड, और फिर ग्रीन, ठीक है, कुछ एप्पल्स रखे गए हैं। और उसने पूछा है मेरे से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। रेड एप्पल कितने रेड एप्पल्स दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, देखो 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितनी कितने हैं रेड, रेड कितने हैं, 4, और टोटल वैसे एप्पल्स कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4/7। तो किसी भी इस फिगर में किसी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी एक रेड एप्पल आने की वो कितनी होगी, 4/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं।
हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है कि हमें 1 से लेकर और 10 तक की जो है डिजिट्स दे रखी हैं और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर 6, हम वही कह रहे हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें इसमें से 6 मिले। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि बिना देखे हमें एक नंबर चुनना है इसमें बिना देखे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर क्या आए, 6 आए। सोचिए जरा इसमें 6 कितनी बार लिखा गया है, 6 केवल एक बार लिखा गया है, तो इसलिए उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, केवल 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं 10, तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसका ए सेक्शन। अच्छा बी सेक्शन देखते हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 6 से छोटा हो। अब 6 से छोटे, 6 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं सारे, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर ऐसे हैं जो कि 6 से छोटे हैं, और वैसे टोटल नंबर हैं कितने, टोटल नंबर हैं 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, उसने कहा है कि ऐसा नंबर जो कि 6 से बड़ा हो। अब सोचिए जरा 6 से बड़ा कौन कौन लग रहा है तुम्हें यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, तो 4/4 में वैसे टोटल नंबर हैं कितने, 10। अच्छा ये रिड्यूस हो सकते हैं क्या, इसको रिड्यूस कर लो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 2/5, क्लियर हो गया। डी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग ए 1-डिजिट नंबर। अब सोचिए जरा डिजिट्स क्या होते हैं, मतलब 1 से लेकर और 9 तक सारे डिजिट्स हो गए ना, ये तो डिजिट नहीं बोल सकते, ये तो एक नंबर हो गया ना, क्योंकि 2 डिजिट से मिलके एक नंबर बन रहा है। तो उसने कहा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें केवल 1 डिजिट है। अब देखिए ये सारे 1 डिजिट के नंबर हैं यहाँ तक, तो कितने नंबर हैं ऐसे, 9, और टोटल वैसे कितने नंबर हैं, 10, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी आ गई, 9/10। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया गया है और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिगर बना देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इस तरह से बनाया गया है, ग्रीन 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 ब्लू और रेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं, ग्रीन 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 ब्लू और रेड। अब इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और इसका जो ए सेक्शन है वो क्या पूछा गया है, देखो टोटल सेक्टर, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो ग्रीन कलर है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब सोचिए जरा ग्रीन कलर की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ग्रीन कलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है कितनी, 1, 2, 3, तो ये आ रहा है 3/5, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3/5। ठीक है, और सेकंड जो मुझसे पूछा गया है, सेकंड वो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, मतलब नॉन ब्लू का मतलब क्या, ब्लू नहीं चाहिए, बाकी सब लेने ब्लू को छोड़ के, तो ब्लू को छोड़ के जो है कितने बचे, 1, 2, 3, 4, तो ये आ रहा है 4/5। तो ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5, क्यों, क्योंकि ग्रीन 3 थे और टोटल आउटकम्स थे 5, और नॉन ब्लू की कितनी थी, 4/5, क्यों, नॉन ब्लू का मतलब क्या समझे आप, कि ब्लू नहीं चाहिए, ब्लू के अलावा जो भी हैं वो चाहिए, तो ब्लू के अलावा ये हैं 1, 2, 3, 4, तो 4/5। स्टूडेंट इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं करवा चुका हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।